अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आते हैं। आप लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बना के इसको फ्रीज कर सकते हैं और जब भी आपको नीड हो आप इसको फ्राई करके ले सकते हैं। देखें, ये बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी से होते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी बताती हूँ। अंदर से भी बहुत जूसी और बहुत मज़े के हैं। देखिए तो देखिए किस कदर क्रिस्पी है और जूसी भी है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ इसको। ज़बरदस्त, आपको बल्कि खाने में भी मेरी आवाज़ आ रही होगी, इतना ये क्रिस्पी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमने ये मज़ेदार सी डिश, ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स, जिसके लिए मैंने जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं पहले मैं वो बताती हूँ आपको। ये मैंने चिकन लिया है, चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करते वक्त आपने एक ध्यान रखना है कि आपने पानी उतना ही डालना है जिसमें कि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए, इसका पानी वेस्ट नहीं करना। उसके बाद आपने इसको श्रेड कर लेना है। तो मैंने ये श्रेड कर लिया, ये कम से कम 250 ग्राम यानी कि एक पाव जो है ये हमारा चिकन है। मैदा इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि कितना मैदा यूज़ होता है। ये चेडर चीज़ और मोज़ेरेला चीज़ है, इसके दो दो टेबल स्पून हमने लिए हैं। और साथ में ऑयल भी आपको बताऊँगी कि कितना इसमें इस्तेमाल होता है। साथ रहिएगा। ये मैंने आधा कप दूध लिया है, तीन मैंने पोटैटो लिए हैं, दो मैंने एग लिए हैं, एक मीडियम साइज़ की हमारी प्याज है, ये मैंने लिया है बटर, ये मेरा होममेड बटर है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने लिया है एक टीस्पून लहसुन का पाउडर, एक टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून ली काली मिर्ची और एक टीस्पून ही हमने लिया है नमक, और थोड़ा इसमें हम लोग डालेंगे धनिया, जो कि तकरीबन अराउंड 2 टेबलस्पून है। तो चले चलते हैं, समय पहले हम अपना चिकन तैयार करते हैं। चलें जी, फ्लेम हमारा ऑन है, हम कम से कम इसमें 1 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल यूज़ करते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी प्याज, जो हमने बहुत बारीक बारीक सी काट ली है। फ्लेम हमारा भी मीडियम हाई है, थोड़ी सी प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे चूल्हे को। बहुत अच्छी और मज़े की बनने वाली रेसिपी है, आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए देखिए, कम से कम हमें 2 मिनट हो गए हैं, अच्छा सा ये गोल्डन हो रहा है। अब हम डालते हैं इसमें चिकन, जो हमने पहले से श्रेड करके रखी हुई है। इसको 1 मिनट तक इसमें घुमाएंगे। थोड़ी बारीक बारीक कीजिएगा ताकि जब हम इसके रोल बनाएं तो अच्छे से बने। एक मिनट तकरीबन हमने इसको दिया, अब हम इसमें डालते हैं हमारी चिली फ्लेक्स और लहसुन का पाउडर, और इसके साथ हम डालते हैं सॉल्ट। इसको भी तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं हमें पकाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे मैदा 1 चम्मच भर के, और थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए इसको भूनते हैं ताकि जो मैदे का कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। चलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब हम इसमें डालेंगे दूध, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है, आधा कप। बस जब तक इसका दूध इसमें खुशक नहीं हो जाता जब तक हम इसको पकाते हैं।
दो से तीन मिनट लगेंगे इसमें। फ्लेम हम थोड़ा सा तेज़ करते हैं। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये, दबा दबा के मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर जो मसाला और जो हमने आटा मैदा दूध डाला है वो अच्छी तरह से सारी चीज़ों पे मिक्स हो जाए। चलें जी, तकरीबन तीन मिनट हमने इसको भूना है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं और चलते हैं अपने आलू तैयार करने के लिए। तो चलिए अब आते हैं हमारे आलूओं की तरफ, आलू तैयार करते हैं। सबसे पहले हम अंडे तोड़ लेते हैं दोनों। चलें जी, इसको साइड कर देते हैं हम। चले अब आते हैं आलूओं की तरफ। बहुत अच्छी तरह से हम इसको आलूओं को मैश कर लेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं रहे। जैसे हमने चिकन को अच्छी तरह पकाया है ऐसे ही हमने इसको भी अच्छी तरह से मैश कर लेना है। चलिए ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया। अब हम निकालते हैं, इसमें डालते हैं। हमने एग योगर्ट यूज़ करना है, इसका वाइट जो हिस्सा है वो नहीं यूज़ करना। तो ये हमारी हो गई अंडे की जर्दी। इसमें मिक्स कर लेते हैं, साथ ही हम डाल देते हैं बटर, नमक और काली मिर्ची, धनिया, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। अब यहाँ के पे आके हमें हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई हैं। क्योंकि जो काम हाथ से होता है ना वो चम्मच से नहीं हो सकता। इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि इसमें कोई गुठली तो नहीं रह गई है, आलू हमारे अच्छी तरह मैश हुए हैं नहीं हुए हैं। चले इसके साथ अब हम डालते हैं जो हमने हमारा चिकन तैयार किया था, वो ठंडा हो गया ये। बर्तनों में से बहुत अच्छी तरह से चीज़ें निकालनी है ताकि वेस्ट ना हो। और साथ ही हम डालेंगे ये दोनों 3-3 टेबलस्पून थे जो हमने डाल लिए इसमें। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। कोई भी चीज़ अलग नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एक जान होनी चाहिए। देखे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। चले अब बारी इसको शेप देने की। मैंने ये बोर्ड पे थोड़ा सा डस्ट कर दिया है मैदे को। अब इसके साथ मैं ऑयल ले रही हूँ, हाथों को ऑयल लगाती जाऊँगी और मैं इसके अपनी मर्जी से जितने आपने ये देखिए अच्छी तरह लगाया आपने ये लिया, आपने जितने बड़े बनाने हैं उतने बड़े बनाए, जितने छोटे बनाने उतने छोटे बनाए, जैसे आपको अच्छे लगे हम इसके रोल टाइप बना लेंगे। देखिए इतने इतने बहुत हैं, इसको हम रखते जाते हैं। इस पर ऑयल आपने हाथों पर अच्छी तरह लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे आप इनको फ्रीज़ कर सकते हो और फ्रीज़ जब ये हो जाएं तो उसके बाद एयर टाइट बैग में आप इसको आराम से रख सकते हो, जब भी आपको नीड हो, जब भी आपको खाने हैं और निकालें और फ्राई करें। तो चले हम फ्राई की तरफ जाते हैं। जो हमने बचाया था हमारा वाइट
एग का जो वाइट हमने हिस्सा बचाया था उसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हम मैदा इस्तेमाल करेंगे, ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। तो चले चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। अच्छा, ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसको एक एक उठाएंगे, सब में पहले हम इसको कोट करेंगे मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से। फिर हमने जो ये देखिए, फिर हमने जो एग लिया है उसमें इसको कोट करेंगे। मीडियम लो पे हमारा चूल्हा है क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है, बस हमने गोल्डन करना है इसको बहुत अच्छी तरह से क्रम्स में लगा के, ताकि ये बहुत अच्छे ऊपर से इसकी जो शेप है ये बहुत अच्छी आए। कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए जी, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, अच्छी अच्छी सी खुशबुओं के साथ। ये बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ऑफिस में लेके जाएं, शाम में, शाम के लिए बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, आप चाय के साथ खाएं, बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।